राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू बाय ट्वीट। मैं निशा वर्मा। जैसा कि आजकल नवरात्रि चल रही है तो हम लोग कुछ ना कुछ नया बनाते ही रहते हैं, तो आज हम आपको बाय ट्वीट की रसोई में कचालू बनाना सिखाते हैं। कचालू भी कई तरह का बनता है, कई चीजों से बनता है, लेकिन ये आलू का कचालू है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत जल्दी बनने वाली डिश है। इसे आप बच्चों से भी बनवाना चाहें तो आराम से बच्चे बना लेंगे, और कभी छोटी मोटी भूख लगी हो तो आप ऐसे भी इसे बना के खा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये कचालू कैसे बनता है। इसके लिए आपको चलना होगा हमारे साथ बाइट टू ईट की रसोई में। तो अब आप मुझे इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट और फेसबुक तीनों पे फॉलो कर सकते हैं और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया बनाते हैं। लेकिन चलने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जैसा इस समय आजकल कोरोना का टाइम चल रहा है तो सारे लोग ही परेशान हैं, तो आप सब भी बहुत ध्यान रखिएगा। जैसा कि डॉक्टर्स और सभी लोग कह रहे हैं कि हमें अपना हाथ बार बार धोना है, हमें अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखना है, हम सब एक जगह रह रहे हैं, एक घर में रह रहे हैं, तो इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए हमें बहुत सहयोग के साथ और आपसी प्रेम के साथ चलना है। तो इन सब चीजों का आपको बहुत ध्यान रखना है, हम सब मिलके एक दूसरे का साथ देंगे। तो चलिए चलते हैं बाय ट्वीट की रसोई में। ये मैंने 300 ग्राम आलू उबालकर छील लिए हैं। ये 2 चम्मच इमली का पल्प ले लिया है। ये 1 चम्मच सेंधा नमक। ये 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च। ये 1 चम्मच भुना और पिसा हुआ जीरा। ये 1 इंच अदरक मैंने पतले पतले कट कर लिए हैं। ये गार्निश के लिए मैंने थोड़ी सी हरी धनिया की पत्तियां ली हैं। ये हरी धनिया, पुदीना और थोड़ी सी इमली का पल्प, उसकी चटनी। ये आलू के मैं पतले पतले स्लाइसेस कट कर लूँगी। मैंने इसमें सेंधा नमक डाला है, और अगर आप व्रत में खाना चाहें तो सेंधा नमक यूज़ करें, और अगर ऐसे बनाना चाहें तो आप नॉर्मल नमक और साथ में थोड़ा सा काला नमक भी यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत जल्दी बनने वाली डिश है। आप इसे, अगर आपके पास आलू उबले रखे हैं तो आप 5 मिनट में इसे बना सकते हैं, और ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। अब हम इसमें ये धनिया और पुदीने की चटनी मिक्स करेंगे, और उसके बाद ये इमली का पल्प। अगर आप ज़्यादा खट्टा खाना चाहें तो थोड़ा सा इसमें आप नींबू भी डाल सकते हैं। ये नमक आपको टेस्ट के हिसाब से लेना है। ये थोड़ी सी लाल मिर्च और ये भुना हुआ पिसा जीरा। अब आप इसे मिक्स कर लीजिए। आप चटनी वगैरह पीस के दे दीजिए बच्चों को, तो ये बच्चे भी फटाफट बना लेंगे। और आपका कुछ तीखा या चटपटा खाने का मन हो रहा है तो आप इसको बना के खा सकते हैं। ये जैसे इसके आलू कहीं कहीं चिपक गए हैं तो आप उसे चम्मच से हल्के हाथ से अलग कर लीजिए, और इसको अगर आप ठंडा करके खाते हैं तो ये खाने में और अच्छा लगता है। देखिए ये पूरा मिक्स हो गया है। अब हम इसमें ये थोड़े से अदरक डाल देंगे, और ये थोड़ी सी हरी धनिया की पत्तियाँ। आप इसमें पुदीना भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए ये बन के बिल्कुल तैयार हो गया है हमारा कचालू। बहुत जल्दी बनने वाली ये डिश है और बहुत ही टेस्टी लगती है। आप एक बार बनाकर इसे ज़रूर खाएं और मुझे बताएं कि ये डिश आपको कैसी लगी, और आप इसे बच्चों को भी दे सकते हैं टिफ़िन में, या अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो आप पूरी पराठे के साथ खाइए, ये आपको बहुत अच्छी लगेगी।
थैंक यू।